वाइकिंग सीजन वन एपिसोड नंबर सिक्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रैग्नार लोकी से कहता है कि वो राजा को ओपन चैलेंज करना चाहता है फाइट के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। लोकी कैटेगेट में राजा के सामने खड़ा है। राजा के सैनिक उसे वहां पकड़ कर लाए हैं। वो लोग राजा को बताते हैं कि ये रैग्नार के बारे में जानता है और आपसे कुछ बात करना चाहता है। राजा लोकी से पूछता है कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो। लोकी कहता है कि वो रैग्नार लॉथब्रोक से एक संदेश लेकर आया है। उसने आपको खुली चुनौती दी है लड़ने के लिए और ये भी कहा है कि अगर आप चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं या उसमें हार जाते हैं तो आपको जिंदगी भर इस लानत के साथ जीना पड़ेगा कि आप एक राजा होकर लड़ाई में हार गए थे। इस बात पर राजा कहता है कि एक गुनहगार की चुनौती स्वीकार करने से ज्यादा लानत की बात क्या हो सकती है। अगर हमने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली तो लोगों को लगेगा कि हमने उसे माफ कर दिया है और उसे आम लोगों का दर्जा दिया है, इसलिए हम ये चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते। इसके बाद मंत्री ऐलान करता है कि इस चुनौती को यहीं पर रद्द किया जाता है और कभी भी अगर रैग्नार को कैटेगेट में देखा जाएगा तो उसे बंदी बना लिया जाएगा। ऐलान के बाद राजा कुछ सोचता है और अपनी जगह से खड़ा होता है। वो लोकी के पास आता है और कहता है, रैग्नार लॉथब्रोक से कहना हमें चुनौती स्वीकार है। उसी रात राजा अपने कमरे में चांद को देख रहा होता है। उसकी बीवी सिगी राजा के पास आती है और उसे सोने को कहती है क्योंकि कल उसे रैग्नार से लड़ना है। राजा कहता है वो अपने बेटों के बारे में सोच रहा है, अगर आज वो जिंदा होते तो कैसे होते। सिगी कहती है अभी ये सारी चीजें सोचने का वक्त नहीं है, आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि कल रैग्नार को कैसे मारा जाए। राजा कहता है मुझे अफसोस है कि कल मुझे एक ऐसे इंसान को मारना पड़ेगा जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। सिगी इस बारे में थोड़ा शॉक हो जाती है सुनकर। राजा कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं रैग्नार की काफी इज्जत करता हूँ, वो एक जाबाज योद्धा है। एक वक्त था जब रैग्नार की तरह मैं भी हुआ करता था, मेरे अंदर भी वही जोश और जज्बा था जो आज मैं रैग्नार में देखता हूँ, और उसने पश्चिमी जगहों के बारे में सही कहा था, पर ये बात मैं पहले से जानता था कि पश्चिम में समंदर के आगे और भी देश हैं, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं की और ना ही कभी जाने की कोशिश की। मैं अपने इस ओहदे से काफी खुश था, शायद ईश्वर ने ही हमारे लिए रास्ता खोला है और अब मैं रैग्नार को मारकर पश्चिम की ओर सफर तय करूंगा। अगली सुबह रैग्नार और राजा के बीच में लड़ाई होती है। मुकाबला आमने सामने का है। दोनों को एक तलवार और एक ढाल दी गई है। लड़ाई के दौरान अगर ये टूट जाती है तो इन्हें वापस नहीं दिया जाएगा, फिर योद्धा को ऐसे ही लड़ना होगा। दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। दोनों अपनी तरफ से काफी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और अंत में रैग्नार राजा को मार गिराता है। अब राजा जमीन पर गिरा पड़ा है और रैग्नार राजा के पास जाता है और कहता है कि देवता ओडिन आ चुके हैं और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि हम दोनों में से कौन उनके साथ वेलहला जाएगा। राजा कहता है आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मैं वेलहला जाऊंगा और अपने बेटों के साथ रहूंगा। इसके बाद राजा वहीं पर मर जाता है। राजा के मरते ही मंत्री आदेश देता है कि रैग्नार को मार दिया जाए, पर कोई उसकी बातें नहीं सुनता। उसी वक्त रोलो उसके सीने में एक कुल्हाड़ी से वार करता है और वो वहीं पर मर जाता है। सिकी ये सब देखकर एक चाकू उठाती है और अपनी बेटी थेरी के पति को मार डालती है, क्योंकि राजा ने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी की शादी करवाई थी, तो अब राजा ही नहीं रहा तो ऐसे में उसकी बेटी ऐसे रिश्ते में क्यों बंधी रहेगी। यही वजह है कि उसने उसके पति को मार डाला। इसके बाद सिगी रैग्नार के पास जाती है और सबके सामने चिल्लाकर कहती है कि बादशाह रैग्नार सलामत रहे। क्योंकि रैग्नार के हाथों राजा की मौत हुई है तो अब रैग्नार ही कैटेगेट का नया राजा हुआ। अब कैटेगेट में बादशाह की जगह पर रैग्नार और उसकी वाइफ लैगर्था बैठे हैं। सारे लोग एक एक करके अपने कड़े की कसम खाते हैं कि वो लोग बादशाह रैग्नार की वफादारी करेंगे। रैग्नार कहता है कि वो सारे लोग उसके दोस्त हैं और वो सबको उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे वो पहले करता था। इसके बाद रैग्नार ऐलान करता है कि इन गर्मियों में हम और जहाजों और बहुत सारे लोगों के साथ फिर से पश्चिम की ओर जाएंगे। दूसरे दिन रैग्नार ने पूरे शानो शौकत के साथ बादशाह की विदाई करवाई। ये सब देखकर एथलस्टन रैग्नार से पूछता है कि आपने बादशाह की अंतिम विदाई इतनी शानदार तरीके से करने की इजाजत क्यों दी, उन्होंने आप पर इतने जुल्म ढहे हैं, वो तो आपका दुश्मन था। इस बात पर रैग्नार कहता है कि वो एक महान शख्सियत थे, वो एक महान योद्धा भी थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत शोहरत कमाई है, यही वजह है कि मैं उनकी अंतिम विदाई खास तरीके से करना चाहता था। इसके बाद रैग्नार एथलस्टन को एक टेंट के पास लेकर जाता है और वहां पर एक लेडी बैठी है और कुछ गा रही है। एथलस्टन पूछता है ये कौन है। रैग्नार बताता है कि ये बादशाह की गुलाम है। बादशाह की मौत के बाद उनके सारे गुलाम औरतों से पूछा गया कि कौन बादशाह के पास वापस जाना चाहता है, तो सिर्फ यही तैयार हुई। उस लेडी के पास दो और औरतें बैठी हैं
जो उसे मरने के लिए तैयार कर रही हैं। एथेलस्टन को ये सारे रिचुअल्स कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही। आखिरकार वो भी एक गुलाम है। उसे एक तरह का डर लग रहा है मन में कि शायद हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। दरअसल वाइकिंग्स की एक प्रथा होती है जिसमें कि वो अपने मालिक को अपना सब कुछ मानते हैं और उनके लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। वो इतने ज्यादा वफादार होते हैं कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। ये लड़की यहाँ अपने मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। वाइकिंग्स के अनुसार जब एक वीर योद्धा लड़ाई के दौरान अपनी जान खो देता है तो देवता उसे अपने दरबार वैलहरा लेकर जाते हैं। वाइकिंग्स के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है। इस लड़की के अनुसार अब उसके राजा क्योंकि मर चुके हैं तो वो अब वैलहरा में होंगे और वो भी उनसे वहीं जाकर मिलेगी। राजा की डेड बॉडी लाई जाती है और उसे एक नाव में लिटाया जाता है। यहाँ पर आप इस लेडी को देख रहे हैं। ये लेडी मौत का फरिश्ता है। वाइकिंग्स के अनुसार यही शरीर और आत्मा को अलग करके देवताओं के पास पहुंचाती है। उस गुलाम लड़की को भी बुलाया जाता है। मौत का फरिश्ता उससे उसकी मर्जी पूछती है। वो लड़की हाँ में जवाब देती है कि वो अपनी जान कुर्बान करना चाहती है। के बाद ये उसे मार डालती है और उसकी बॉडी राजा के साथ लिटाई जाती है। सिकी रैगनार के पास जाती है और कहती है कि वो चिता को आग लगाने की इजाजत चाहती है। रैगनार चिता को आग लगाने को कहता है और इस तरह से राजा का अंतिम संस्कार किया जाता है। राजा के महल में सिगी और उसकी बेटी थियरी बाकी बचे हुए खजाने इकट्ठा कर रहे हैं। उसी वक्त रोलो वहां पर पहुंचता है। सिगी और थियरी काफी डर जाते हैं। सिगी रोलो से पूछती है कि क्या तुम हमें यहाँ पर मारने आए हो। रोलो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। सिगी कहती है शायद रैगनार ने तुम्हें ऐसा करने को कहा हो क्योंकि नया बादशाह पुराने बादशाह के परिवार के साथ ऐसा ही करता आया है। रोलो कहता है तुम घबराओ मत, रैगनार तुम्हें कभी भी नहीं मारेगा क्योंकि उसके अंदर बदले की भावना नहीं है। सिगी कहती है भले ही हमें ना मारा जाए पर हमारे साथ बुरा बर्ताव तो किया ही जाएगा ताकि हम तंग आकर यहाँ से चले जाएं। हमारा कोई और ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। रोलो कहता है तुम घबराओ मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। एक शाम जब सब लोग साथ में बैठे होते हैं, प्योन कहता है रैगनार से कि सर्दी काफी बढ़ गई है और मैं इस गर्मी के आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि इन गर्मियों में मैं भी आपके साथ पश्चिम की ओर जाऊंगा। वो अपनी इच्छा बताता है रैगनार से कि वो भी पश्चिम की ओर जाना चाहता है। वो कहता है कि पता नहीं पश्चिम का सफर मेरे लिए कितना रोमांचक होगा। रैगनार अपने बेटे से कहता है कि नहीं, इन गर्मियों में तुम इंग्लैंड नहीं जाओगे, तुम्हें इंतजार करना होगा, जब तुम्हारा सही वक्त आएगा तब तुम मेरे साथ इंग्लैंड जाना। इसके बाद एथेलस्टन रैगनार से पूछता है कि ये रैगनार ऑफ क्या है। मैंने कई बार इसका जिक्र सुना है पर कोई इस बारे में क्यों बात नहीं करता, मैं जानना चाहता हूँ कि ये रैगनार ऑफ क्या है। वहां पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। उसी वक्त मांत्रिक वहां पर आते हैं और वो रैगनार ऑफ का मतलब समझाते हैं। रैगनार ऑफ का मतलब होता है कयामत का दिन, जब कई सालों तक कड़कड़ाती गर्मी होगी, सूरज का कहर टूटेगा, लोग अपनी उम्मीद खो देंगे, सब खुद को मारने के लिए तैयार होंगे, समंदर भी अपना संयम खो देगी, धरती फटने लगेगी, पूरी दुनिया खत्म होने लगेगी, तब देवता ओडिन धरती को बचाने आएंगे, पर बदकिस्मती से नहीं बचा पाएंगे क्योंकि तब तक अंधकार पूरी धरती पर छा चुका होगा। इसके साथ ही अगले सीन में गर्मियां आ चुकी हैं। वाइकिंग्स फिर से इंग्लैंड की ओर निकल चुके हैं। ये लोग वापस से किंगडम ऑफ नॉर्थम्बिया के तट पर पहुंचते हैं। नॉर्थम्बिया के राजा एले को खबर मिल चुकी है कि वो लुटेरे फिर से वहां आ चुके हैं। इस बार राजा ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है इन सबको मारने का। इसके साथ ही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।